Welcome back. Today I am going to take the second chapter of your class 9 history textbook, and that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. But my last topic was abolition of slavery in France. So please tell me in which year slavery is finally abolished from France. Now today I am taking the topic, that is the effect of First World War on Russia. First World War was broke up in 1914, and there are two European alliances. Between them the war starts. The first is Germany, Austria and Turkey, and which is called Central Power. Second was France, Britain, Russia. Later on Italy and Romania joined them. So war had two fronts, Eastern and Western. Western front was a safe front, and armies fought from the trenches. But from the Eastern front, battle leaves large casualties. And between 1914 to 1916, Russian armies lost badly in Germany and Austria. So effect of war, human loss, economic loss and social loss. Come to the human loss. Over 7 million casualties by 1917. So, as they retreated, they destroyed crops and buildings so that enemy can't able to live off the land. Woh ek gussa tha unke andar jo is tarike se nikla ki crops hata do, buildings tod do, rahoge kahan, khaoge kya. Jiska result ye hua, as a result over 3 million refugees were in Russia. अपना ही लॉस कर लिया और ज्यादा रेफ्यूजीज रशिया में हो गए, स्थिति और बदतर हो गई. इकोनॉमिक लॉस. एज वी नो रशियन हैव वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज, बहुत कम इंडस्ट्रीज थी. मेनली उनकी इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे थी, जो थोड़ी बहुत भी थी दैट इंडस्ट्रीज वेयर सीवियर इम्पैक्ट ऑफ वॉर. एंड सेकेंड थिंग दैट इज द बाल्टिक सी. मेनली उनके यहाँ जो सामान आता था इंडस्ट्रीज के लिए वो दूसरी कंट्रीज से वो इंपोर्ट करते थे, जो कि आता था बाल्टिक सी के थ्रू, जिस पर जर्मनी ने अपना कंट्रोल कर लिया. जब वो वॉर जीते उन्होंने अपना कंट्रोल बाल्टिक सी पे किया. एज अ रिजल्ट जो इंडस्ट्रियल गुड्स दूसरी जगह से आने थे वो आने बंद हो गए. उसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री और लॉस में जाने लगी. देन इन 1916 रेलवे लाइंस बिगन टू ब्रेक डाउन. सब उखाड़ उखाड़ के रेलवे लाइंस को फेंक रहे थे. एक बाल्टिक सी से गुड्स आता था वो बंद हुआ, रेलवे लाइंस के थ्रू जो सामान आ सकता था वो भी बंद हो गया, जिसकी वजह से उनका इंडस्ट्री अपने आप डाउन होने लगी. देन शॉर्टेज ऑफ लेबर. जितने भी एबल्ड पर्सन थे, जितने भी फिजिकली फिट पर्सन थे, उन सबको वॉर में भेज दिया जाता था. जितने भी मिले सबको वॉर में भेजा, जिसकी वजह से लेबर्स की बहुत शॉर्टेज हो गई. अब जब लेबर्स ही नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो जितने भी स्मॉल वर्कशॉप थे जो कि असेंशियल चीजें बनाते थे, जैसे ब्रेड है और भी जो डेली की नेसेसिटीज थी, वो सारे बंद हो गए प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारे को एक सोशल लॉस जो हम पाएंगे वो आएगा. सो इन सोशल लॉस, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वेयर सेंट टू फीड द आर्मी. रशिया की अपनी बहुत बड़ी आर्मी थी. देन कॉमन पीपल जो फिजिकली फिट थे उनको भी उन्होंने आर्मी में भेज दिया. अब इतने सारे लोगों को फीड करने के लिए खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, तो जितना भी उनके पास ग्रेन था वो सब वो आर्मी के लिए भेज देते थे. एज अ रिजल्ट फॉर कॉमन पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केयर. कॉमन पीपल के लिए खाना बचता ही नहीं था, थोड़ा बहुत मिला तो मिला, अदरवाइज मोस्टली सब कुछ गया आर्मी के पास. इससे एक जो कहते हैं असंतोष भी बढ़ा लोगों में. और बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट साइड द ब्रेड शॉप वेयर कॉमन आपस में दंगे कर रहे हैं खाने के लिए, झगड़ा कर रहे हैं ब्रेड शॉप पे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मिल नहीं रहा है लोगों को खाना. यही सारी चीजें थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ी. और विंटर में जो 1916 के विंटर्स में ये सब चीजें जो बनी, इन्होंने ही रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड में को स्टार्ट किया. ये जो एक असंतोष लोगों के अंदर बढ़ा, शुरुआत में वॉर को लेके बहुत एक्साइटेड थे, बट धीमे धीमे जब वॉर इतनी ज्यादा
ज्यादा लंबी होती गई, खाने पीने तक को मोहताज हो गए, तब उसकी वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन किया। तो ये तो थे सारे इफेक्ट्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए की वजह से रशिया पे हुए थे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट रशिया पे पड़ा और किस वजह से पेट्रोग्राड का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। थैंक यू सो मच।